साथ ही साथ हम यह उम्मीद करेंगे जहां जाइए वहां रोजगार की जरूर चर्चा करें। 7,22,133 रोजगार केंद्रीय सेवाओं में 2014 से 2022 तक 27 जुलाई 2022 को पार्लियामेंट में स्वीकार किया है। तो गैर भाजपा साथ जो भी गैर भाजपा जो राज्य है उसमें केंद्र सरकार का ज़्यादा से ज़्यादा योजनाओं का लाभ लोगों तक दो। केंद्र पोषित योजनाओं की लगातार संख्या बढ़ती जा रही है, राज्यों की हिस्सेदारी आप लगातार बढ़ाते जा रहे हैं, क्या उन उपलब्धियों की आदरणीय नरेंद्र मोदी जी आम लोगों में चर्चा होगी कि सर्व शिक्षा अभियान जो अटल जी ने शुरू किया, जो प्रधानमंत्री आवास योजना हुआ, जो आपने कहा था कि 2022 तक हर गरीब के माथे पर छत दे देंगे, क्या उन तमाम योजनाओं को जो नहीं पूरा किया गया, क्या इन तमाम बिंदुओं की चर्चा करेंगे? और ख़ास करके बिहार में तो ज़रूर चर्चा करना चाहिए, जो गांधी मैदान में जो लोग मरे थे 2013 में, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने 6 लोगों को कहा था कि आपका को रोज़गार देंगे, परवरिश करेंगे। इसलिए हम उम्मीद करते हैं कि NDA के सांसद उन 6 कार्यकर्ता जो भाजपा कार्यकर्ता थे उनके परिवार आज भी बिलख रहे हैं और खोज रहे हैं कि कहाँ है नरेंद्र मोदी का कुनबा, जो 6 आदमी मारे गए तो उनका नियुक्ति पत्र कहाँ है और उनके परवरिश का क्या इंतजाम किया 10 साल में। और साथ ही साथ हम यह उम्मीद करेंगे जहाँ जाइए वहाँ रोजगार की जरूर चर्चा करें। 7,22,133 रोजगार केंद्रीय सेवाओं में 2014 से 2022 तक 27 जुलाई 2022 को पार्लियामेंट में स्वीकार किया है। तो गैर भाजपा शासित प्रदेश में कितना को रोजगार दिए, कितना हिंदू को, कितना सिखाधारी को, कितना टीकधारी को, जो भी रोजगार दिए होंगे, सनातनी को, वैष्णव को, शैव को, जितना दिए होंगे उसको कैटेगराइज कर करके हम समझते हैं कि आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को यह अपने सांसदों से काम लेना चाहिए। ये जो भी नूह हिंसा मामला हुआ है उस पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि जो भी नुकसान हुआ है वहाँ पर सुनवाई शुरू सुनवाई। मुँह की हिंसा सीधे प्रायोजित है और ये तो कलंक का टीका है कि दिल्ली के बगल में, दिल्ली से 60 किलोमीटर दूर जिस ढंग से हिंसा प्रायोजित हिंसा हुई और उसकी लपट गुरुग्राम में हुआ, अब तो शीर्ष अदालत ने यह कह दिया कि भाई हिंसा के संदर्भ में साफ तौर पर कहा है हेट स्पीच पर रोक लगाइए। ये जो ये जिस ढंग से राजनीति में उन्माद की भाषा बोल कर कर करके पूरे मामले को विकृत करने की जो कोशिश होती है, अब तो मणिपुर की हिंसा, बेटियों को निर्वस्त्र करना और लगातार लंबे अरसे तक प्रधानमंत्री का संसद में जाकर के नहीं बोलना, अब तो मुंह की हिंसा और दुनिया पर में कलंक का टीका यह लगा है इंटरनेट सेवा बाधित करने में दुनिया में, अभी रिपोर्ट आई है दुनिया में भारत अव्वल किया है, क्योंकि सामाजिक तनाव के चलते इंटरनेट की सेवा बाधित करने का एक नया रिकॉर्ड आदरणीय नरेंद्र मोदी जी आपने बनाया। मोदी सर ने मामले में जिस तरीके से जो राहुल गांधी ने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि मैं दोषी नहीं हूँ, मुझे लोकसभा सत्र में भाग लेने की अनुमति दी है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय का अधिकार क्षेत्र है, लेकिन महत्वपूर्ण विषय यह है कि जिस परिवार के दो दो व्यक्ति ने, स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी ने और साथ ही साथ स्वर्गीय राजीव गांधी ने देश के आतंकवाद में आतंकवाद के खिलाफ कुर्बानी दी हो, और जिस तरीके से आनन फानन में आदरणीय नरेंद्र मोदी की जो हुकूमत है वह बेचैनी में जिस ढंग से उनका सदस्यता निरस्त किया गया है, यह निश्चित रूप से एक चिंता की बात है। और हमारी उम्मीद है कि ऐसी स्थिति में जब माननीय संसद में आदरणीय प्रधानमंत्री जी जाने को तैयार नहीं हैं, प्रधानमंत्री अपनी बात कहने को तैयार नहीं हैं, तो ऐसी स्थिति में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के इन तमाम सवालात पर गौर करना चाहिए।